अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रदेश की अंतरिम सीएम विद्या भारद्वाज कुछ बच्चों के साथ बारिश में खेलती हुई दिखी। पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला। ये वीडियो वायरल करने वाली थी तुम? नहीं, मेरे पास जो वीडियो था वो अभी ने डिलीट कर दिया था। और ये वीडियो बनाने में उसे कोई परेशानी ना हुई? मैंने कहा था ना ठंड लग जाएगी। अरे ये अक्टूबर महीने की बारिश है, अब चलो चलो। अरे सीएम मैडम आप, अरे आज तो मुझ गरीब के भाग ही खुल गए। देखिए ज्यादा शोर मत मचाइए प्लीज। मैंने भूख लगी है, आप जो भी खाने को मिल सकता है कुछ दीजिए। अरे कुछ क्यों सरकार, आप जो कहेंगे वही हम बना के खिलाएंगे। मैं आपके बैठने की व्यवस्था कराता हूँ, आज तो हमारा दिन ही बन गया। अरे मनीष मैडम और साहब के लिए टॉवल लेकर आओ जल्दी। आप बैठिए मैं कुर्सी लगाता हूँ। सीएम मैडम आपके साथ एक फोटो खींच ले। अभय जी आप भी आइए ना। नहीं नहीं उन्हें सीएम मैडम के साथ पिक्चर चाहिए। सर हमें आप दोनों के साथ फोटो चाहिए, हमारे लिए तो आप शंकर और पार्वती की जोड़ी हैं। भगवान करे आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। सर मैडम और आपका वीडियो खाना खाते हुए वो इंटरनेट पर वायरल हो गया है, अभी थोड़ी देर में यहाँ मीडिया वालों की लाइन लग जाएगी, आप दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए। चलो यहाँ से। लगता है मीडिया वाले आ गए, जल्दी चलो। जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें यहां से जाना है। क्या बिंदिया भारद्वाज ने हमारे प्रदेश की राजनीति का बदलता हुआ एक तीर से दो शिकार किए हैं बिंदिया बाहू ने। अभय को अपने पास भी ले आई और गरीब के ढाबे पर खाना खा करके राज्य में नाम भी कमा लिया। मेघा तुम मुझे जितना बेवकूफ समझ रही हो ना उतनी बेवकूफ ना है। अरे जितनी जमीन के बाहर है ना उतनी ही जमीन के अंदर है वो। तुम्हारी ये जाले ना अब काम ना करने वाली। अगर कुछ सोचना ही है तो थोड़ा बड़ा सोचो। अगर नहीं सोच सकती हो ना तो हमें बोल दो, हम कोई और तरीका निकालेंगे। पर अपने अभय को इस बिंदिया का जहर और ना पीने देंगे। नहीं आपको कोई तरीका ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक दिन में दो बार हार चुकी हो, अब छह दिन में 12 बार हारते हुए हम ना देख सकते हैं, समझी? नहीं हारूंगी। अगले छह दिन में
वो बिंदिया और अभय एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। क्या हो जाता है मुझे, मैं क्यों ऐसे बिंदिया के करीब आ जाता हूँ? हम जानते हैं, आप जितनी बार हमारे करीब आते हैं आपको बुरा लगता है, आपको लगता है कि आप हमें धोखा दे रहे हैं। ये धोखा नहीं है तो क्या है? जब मैं बिंदिया को पत्नी मानता ही नहीं तो उसके करीब आने का क्या हक है मुझे? क्यों मैं उसके अंदर उम्मीद जगा रहा हूँ? उम्मीद रखना हमारी ताकत भी है और कमजोरी भी, पर इसकी सजा हम आपको नहीं भुगतने देंगे। गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? तो आपको बताना है कि क्या हुआ है। बार बार इस दर्द से गुजरने से अच्छा है एक बार फैसला ले लीजिए। कैसे फैसला ले लूं बिंदिया? मेरे पास तुमसे अलग होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास तुमसे अलग होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास तुमसे अलग होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।